प्रोड्यूस अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड? मैम नॉन मेटल्स. यस, मैम इट इज फॉल्स. फॉल्स बिकॉज नॉन मेटल्स आर themselves are acidic in natures, so they can't react यस with acids. Metals can react with acids, non-metal ओके. can't react with acids. Okay, very good. Now next is Utkarsh. Okay, Utkarsh, आपका क्वेश्चन है. यस Which मैम. property of copper and aluminium makes them suitable? A, for making cooking utensils and boilers. कैन यू रिपीट मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं. मैम, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन मैम. ओके, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम? कॉपर और एल्यूमिनियम के पास क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको यूज करते हैं कहां पर? फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड बॉयलर्स. मैम वो रस्ट जल्दी नहीं होते हैं मैम. रस्ट जल्दी नहीं हो होते हैं, तो फिर उसका हम क्या करेंगे? खाना बनाने में हम रस्टिंग का क्या करेंगे? अच्छा पार्थ एंड सौरभ राइट, ये तो उत्कर्ष. खाना बनाना हमने, हम हीट कंडक्शन. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यस मैम. तो इसलिए वो अच्छे से जल्दी खाना बनाएगा. यस यस, मैम. यस मैम. नेक्स्ट इज आपके. यस मैम. अच्छा, तो कॉपर और एल्यूमिनियम का ही बताना है कि व्हाई वी आर यूजिंग देम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. मैम बिकॉज दे आर वेरी डक्टाइल इन नेचर एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, तो यस, दोनों ही रीजन सही हैं, क्योंकि डक्टाइल होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन बी फॉर्म्ड, दे कैन बी रीफॉर्म इनटू द शेप ऑफ वायर्स. अगर वो हम शीट्स में बात करते तो मैलेबिलिटी आता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर आयुष. आयुष, यस, नेम द मेटल विच हैज बीन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. Can you repeat the question? आपको एक ऐसे मैटर का नाम बताना है जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल बॉटम पे आता है. ओके, आर्यन 458. मैम प्लैटिनम. प्लैटिनम, यस. अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप गोल्ड भी आंसर कर सकते हो, प्लैटिनम भी कर सकते हो. आई एम चेकिंग एक मिनट कि एनसीईआरटी में क्या प्रेजेंट है, तो हमें वही आंसर करना पड़ेगा, इसमें हम अपनी मर्जी से आंसर नहीं कर सकते. मैम एनसीईआरटी में तो मेरे हिसाब से गोल्ड है वैसे. सो प्लैटिनम इज नॉट प्रेजेंट इन एनसीईआरटी. एक मिनट. यस, प्लैटिनम आपकी एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए आपको इसका आंसर देना पड़ेगा गोल्ड, क्योंकि एनसीईआरटी में लास्ट गोल्ड है. ठीक है, ओके मैम. नाउ नेक्स्ट वन इज आयुषी. एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, आयुषी. यस राघव राइट. यस यस यस, सब आंसर करें. आयुषी कहाँ हो बेटा? ओके, तो बाकी बच्चों ने आंसर दे ही दिया, मैं किसी और से क्या पूछूं. इट इज पोटेशियम. तो आप सबने, जिन्होंने भी आंसर दिया चैट बॉक्स में, सबने सही दिया. नाउ नेक्स्ट वन इज आर्यन. जस्ट बिलो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर से जस्ट बिलो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? यस हिमांशु राइट. नहीं, क्या लिखा तुमने? इट्स रॉन्ग.
No, Saurabh. Yes, Parth. It is right. Yes, Utkarsh. Navya, आपने शायद सिंबल गलत लिख दिया. Yes, ठीक है ठीक है. राघव, yes, yes. तो जिस क्वेश्चन पूछा उसको छोड़ के बाकी सबने आंसर किया है. इट्स मरकरी. यस सिद्धांत. तो इस तरह के क्वेश्चन हम तब आंसर कर सकते हैं जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता होगा. यस नवजोत, इट्स राइट. तो यस, इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी और पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. वन मार्क में बहुत चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन आने की. अच्छा, व्हाट इज मीन्ट बाय ब्रिटलनेस? दिवेन, दिवेन मतलब बच्चे ऐसे शो करते हैं कि हमें सुनाई ही नहीं दे रहा. जिनको आंसर नहीं करना होता ना उन्हें सुनाई नहीं देता होता अक्सर. यस मैम. यस बेटा, क्या पूछा था मैंने? व्हाट इज मीन बाय ब्रिटलनेस? मैम Metalness means ma'am ki ma'am wo metal ma'am can break easily ma'am, that metal can break easily. Metal nahi hota actually. Non metal or metal. Non metal by which they can break very easily after applying the pressure. So yes, jaise hi pe thoda sa usme change nahi hote wo toot jata. Yes ma'am. This is brittleness. Yes, jinhone bhi answer kiya all are right. Okay, now next one is for Hutashan. Hutashan. Yes ma'am. Okay. What will happen if a strip of copper is kept immersed in the solution of silver nitrate? Copper ke solution ko agar maine silver nitrate mein rakh diya to kya hoga? Yes, Hutashan. Yes, ma'am. एक मिनट. Yes, Saurabh, right. ma'am, copper NO3 बन जाएगा, CuNO3 बन जाएगा और AgCl हो जाएगा. CuNO3 नहीं होता है. NO3 पे वन नेगेटिव चार्ज होता है तो CuNO3 का होल्ड ट्वाइस बनेगा प्लस सिल्वर. यस, ये बनेगा और कॉपर का रेडिश कलर होता है इनिशियली, रेडिश ब्राउन इसके प्रेसिपिटेट होते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाएंगे. सो इस तरह से आपके पास सिल्वर का शाइनी ग्रेइश कलर होता है तो वो हो जाएगा, मतलब वो कलर सॉल्यूशन में आ जाएगा. यस, ब्लू कलर नहीं है यहाँ पर. कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर होता है, कॉपर सल्फेट का तो होता है, कॉपर नाइट्रेट का आई हैव टू चेक कि ब्लू कलर ही है क्या. यस चांद में लिखा मैम. Yes, okay. It is a blue color. Then, हाँ, कि blue color आ जाएगा. Then we can write. Okay. Yes, all are right. Okay, now next one is for Navjot. आज Navjot सब कुछ सही है बेटा. Navjot. Yes, ma'am. Okay. Name a non-metal having a very high melting point. Actually, Navjot na bolne wala nahi hai, usko diamond likhna tha. Diamond, ha, ab to answer mil gaya Navjot. Vaise it's right. Yes, diamond is the non-metal which is having very high melting point and boiling point. Otherwise, non-metals ka melting or boiling point low hota hai. ठीक है. Now next one is for Navya. Yes ma'am. Okay. What happens when iron nails are put in copper sulfate solution? ये तो बहुत बार हमने रिएक्शन किया है. Iron nail को हमने copper sulfate में डाल दिया. Then what will happen Navya? Ma'am, iron will displace copper. Nikhil? नव्या और निखिल दोनों ही प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट वन इज पार्थ.
मैम यस पार्थ इट इज राइट मैम शी सेड हर वॉइस इज लो ओके शी कैन राइट इन द चैट बॉक्स मैं अगला क्वेश्चन जो पूछूंगी वो राइट कर देगी चैट बॉक्स में ठीक है तो यस पार्थ यू आर राइट तो कॉपर बेसिकली क्या होगा आयरन से डिस्प्लेस हो जाएगा और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा और ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज इनटू द ग्रीन कलर सॉल्यूशन तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी नाउ नेक्स्ट वन इज फोर क्या नाम था राघव राघव का टर्न तो आ चुका है शायद आ चुका है यस मैम ऐसे तो हो गया इज फॉर प्रिया Yes, ma'am. Okay. How would you show that silver is chemically less reactive than copper? Ma'am, we will make silver react with copper. हाँ जी. Ma'am, we will make silver react with copper. कैसे? How? Tell me the reaction. AgSO4 plus Cu. We can perform the same reaction also. We can perform the AgSO4 reaction also. तो हम दोनों ही reaction कर सकते हैं. Reaction होके color change आता है. क्योंकि हम हमारे पास उसके अंदर ions क्या हैं वो देखने का नहीं है कोई तरीका. We can just write the observation. तो जो भी कलर चेंज होगा उसके बेसिस पे वी कैन राइट कि हाँ अगर जैसे आपने AgSO4 होल ट्वाइस लिया कॉपर के साथ तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा यानी कि ब्लू कलर विल अपियर इन द सॉल्यूशन दैट मींस द रिएक्शन हैज हैपेंड एंड दैट मींस द कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर तो इस तरह से हमें लाइन लिखना पड़ेगा ठीक है सो यस नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर नव्या वो रह गई थी यस मैम ये तो वही है अलग अलग फॉर्म में कि ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिस्ट्रॉयड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू इट सेम क्वेश्चन सेम आंसर व्हिच वी डिस्कस्ड नाउ ओनली ठीक है सो यस नव्या योर क्वेश्चन इज नेम टू नॉन मेटल्स व्हिच आर बोथ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल एज यू कांट स्पीक तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स नो अदर पर्सन विल राइट यस नॉन मेटल Which are brittle as well as non-ductile. Navya, I am waiting for you. Okay, oxygen and nitrogen. ठीक है. Yes, कोई भी non-metals आप ले सकते हो because non-metals are generally oxygen is a gas, beta. ऑक्सीजन इज अ गैस यस हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट तो हाउ वी कैन शो द ब्रिटल नेचर इन केस ऑफ द गैस सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंसेस सो यस बेसिकली हम लोग ब्रिटलनेस सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस में राघव आंसर इज राइट तो यस नव्या आपका आंसर गलत है आपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही गैसेज लिखती हैं ठीक है सो यस ब्रिटल मीन्स ब्रेक डाउन The breakdown of the substance after applying pressure on it. अगर वो पहले ही gaseous state में है तो वो breakdown कैसे हो पाएगी ठीक है So yes, now next question is for Siddhant. Name the nature of the oxide of SO2. SO2 का oxide का nature क्या है Ma'am, can you please? यस सिद्धांत मैम कैन यू रिपीट आज पता नहीं मेरे फोन के वॉइस बहुत ही लो है समझ नहीं आ रहा थोड़ा लाउड मैम कैन यू रिपीट इट इज एसिडिक मेरे ख्याल से आपने यही बोला है यस दो स्टूडेंट हु हैव रिटन इन द चैट बॉक्स ऑल आर राइट इट इज एसिडिक इन नेचर नाउ नेक्स्ट वन इज फोर सिद्धांत के बाद सौरभ यस मैम
how do metals react with hydrogen? Explain with an example. आप सिर्फ मुझे verbally बता दो example, आप लिख नहीं सकते हो. तो yes, how would the metal will be reacted with? हाँ जी. Metal plus hydrogen will hydride ionic bond बनेगा. Yes, metal hydrides are formed. And metal hydrides में क्या होता है? Metal का nature क्या होता है? Hydrogen का nature क्या होता है? Metal को hydrogen negative. वेट अ मिनट, मैं एक बार ईयरफोन लगा लूं, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा. नाउ स्पीक. यस, पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन नेगेटिव होगा. यस, हाइड्रोजन जनरली फॉर्म द कंपाउंड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन. And H positive generally reacts. लेकिन metal hydrides are the only compounds in which hydrogen is gaining the electron. ठीक है? So yes, ये एक special case है. So now next one is for Supriya. Yes, ma'am. What happens when a rod of zinc metal is dipped into a solution of copper sulfate? Zinc plus copper sulfate. What would happen? Ma'am, the layer of zinc will be deposited on copper. Layer of zinc will be deposited on copper. No, this is wrong answer. Ma'am, zinc will displace copper, like ZnSO4 will be formed. And form the ZnSO4. और कॉपर का जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो कलरलेस बन जाएगा. यस, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी टेकन प्लेस एंड द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी कलरलेस. तो यस, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर उत्कर्ष. ओके मैम. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी भी देखा, अच्छा लगा मुझे. यस उत्कर्ष. यस, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स डिस्क्राइब हाउ मेटल ऑक्साइड्स डिफर्स फ्रॉम नॉन मेटल ऑक्साइड्स. क्या लिखोगे इसमें, कैसे लिखोगे? मैम, इसमें मैम हम मैम वी हैव टू डिफरेंशिएट ओनली ना, कि हम अपने पास पहले से है वो ऑक्साइड प्रेजेंट अपने पास. नहीं, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स वी हैव टू डिफरेंशिएटेड मेटल ऑक्साइड विद द नॉन मेटल ऑक्साइड. ओके. क्या करेंगे बताओ? ये तो मुझे पता है सौरभ, आपको ये बताना है कि ये नेचर आया कैसे. जो भी ऑक्साइड मैम, एक मिनट एक मिनट, राघव बोल रहा है, सौरभ बोल रहा है. मैम ऑक्साइड वाटर में डाल देंगे. एक जना बोलो कोई. मैम बाद में ऐड कर देंगे ऑक्साइड. अच्छा राघव, यस. अच्छा सौरभ, यस. मैम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर देंगे मैम. उसके बाद उनको मैम लिटमस पेपर से टेस्ट कर लेंगे मैम, या यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट कर लेंगे मैम. Yes. इस तरह से हमें टेस्टिंग दिखाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि मेटल ऑक्साइड, हम एक मेटल को पहले पानी में डिप करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बन गया. तो यस, पानी में नहीं तो हम ऑक्सीजन के साथ हीट कर देंगे. तो यस, जो मेटल ऑक्साइड बना उसमें हम पानी ऐड करेंगे, फिर उसका नेचर देखेंगे. अगर हमारे पास लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो बेसिक जो मेटल्स के केस में होगा, अगर रेड कलर्स में चेंज हो जाता है दैट मीन्स एसिडिक, जो नॉन मेटल्स के केस में होगा. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टेस्ट बताना पड़ेगा कि टेस्ट हम क्या लिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर विनीत. यस मैम. यस, नेम अ नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. मैम ग्रेफाइट. ग्रेफाइट. नेक्स्ट इज फॉर विशेष.
name a non-metal which is extremely hard. Vishesh? Ma'am, diamond. Diamond, very good. अभी कौन सा बच्चा रह गया है? अगमलीन. यस अगमलीन. अगमलीन ओके ओके यस अगमलीन नेम अ नॉन मेटल हैविंग लस्टर यानी कि शाइनी सरफेस. मैम डायमंड. शाइनी सरफेस डायमंड. यस अदरवाइज हम लोग आयोडीन भी ले सकते हैं. यस ठीक है. सो यस सबका टर्न आ चुका है. अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क. लाइक सिंपल क्वेश्चंस जो आज मैंने पूछे हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम. हमको मैम मैम नॉन मेटल्स के रिएक्शन सुना करें ना मैम क्योंकि मैम एनसीईआरटी नहीं मैम. हाँ अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको उसका बिहेवियर पता होना चाहिए कि अगर मेटल्स इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा बिहेवियर करते हैं. एनसीईआरटी में थियोरेटिकल तो दिया हुआ है ना. हाँ मैम वैसे थोड़ा बहुत तो दे रखा है. हाँ हाँ मैं वही देखने लगी हूँ. यस नॉन मेटल्स की बस इसमें ना मेटल्स के साथ में थोड़ा सा बताया हुआ है कि नॉन मेटल्स अगर यहाँ पर इनकी जगह पे होते तो वो कैसे बिहेव करते तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा बताया हुआ. आपको ये पता होना चाहिए बाकी मेटल्स की रिएक्शंस आपको आनी चाहिए. okay. अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि नॉन मेटल्स के एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो आप कैसे बताओगे. आपको पता तो होना चाहिए ना कि ऑक्साइड नॉन मेटल के हों या मेटल के हों तो वो कैसे बनते हैं ऑक्सीजन के साथ हीट करके और फिर हम उसको पानी में डाल के चेक करेंगे. तो वो जो जनरल प्रोसीजर है एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन का आंसर कर सको. ओके मैम. ओके सो यस एनीबडी एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक. यस आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आज आपका लाइव क्लास है और होने वाला अभी खत्म. मंडे को आपका कोई लाइव क्लास नहीं है. आपके टेस्ट के बेसिस पे मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी और मंडे को आपका चैप्टर 3 का टेस्ट है तो बी प्रिपेयर्ड विद द टेस्ट. तो 11:30 आपका टेस्ट होगा मंडे को. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू. Yes, students, you can leave the meeting, beta. Utkarsh, abhi kyun join kiya hai? Yes, ma'am. And jo question aapne Saurabh se pucha tha, please explain. Kaun sa question? हाइड्रोजन वाला. अच्छा मैंने पूछा था कि मेटल और हाइड्रोजन किस तरह से रिएक्ट करते हैं. मेटल्स और हाइड्रोजन कंबाइन करके मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं एंड मेटल हाइड्राइड्स आर द ओनली कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो नेगेटिव होता है और मेटल जो होता है वो पॉजिटिव होता है. अदरवाइज आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स किए हैं वाटर HCl या हाइड्रोजन का जो भी मॉलिक्यूल आपने किया है वहां पर आपने देखा है कि हाइड्रोजन
जनरली एच पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करता है, बट मेटल हाइड्राइड्स आर द ओनली कंपाउंड्स जहां पर एच नेगेटिव की फॉर्म में रिएक्ट करता है. ओके पार्क. ओके.